हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड, हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है, तो ये उलगुलान है। और इंडिया गठबंधन की इस रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर में ही बातचीत हुई है। आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 21 अप्रैल को झारखंड में होने वाले उलगुलान महारैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। ये पहला मौका था जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कल्पना सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 21 अप्रैल को जो महारैली राजधानी रांची के प्रभातारा मैदान में होने जा रही है, वो ऐतिहासिक होना है। वो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर जेल भेजने का काम जो केंद्र की सरकार ने किया है, इसके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता उलगुलान महारैली से दिखाएंगे अपना आक्रोश। इंडिया गठबंधन का जिसके लिए हमारे जिला स्तर से सारे कार्यकर्ता जन आए हैं, और बस मुझे यही था कि क्योंकि आज कम समय है और डुमरी भी जाना है, जगन्नाथ चाचा जी का पहला पुण्यतिथि है, वहाँ उनकी धर्मपत्नी जी से भी, उनके परिवार से मुलाकात करनी है, तो आज बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाई हैं। तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ, सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है, तो ये उलगुलान है। और इंडिया गठबंधन की इस रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर में ही बातचीत हुई है।